दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रोहित टेक ब्लॉग्स को। दोस्तों आज तारीख है 24 अक्टूबर और आज है दशहरा, मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत आज है और सब मना रहे हैं दीपावली। दशहरा आज सेलिब्रेट करा जा रहा है। हम लोग अपने ऑफिस में काम करते करते दशहरा सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी सब बच्चे लोग चले गए मेला घूमने, हम लोग का जाने का टाइम है। बट एक मशीन की डिलीवरी जानी है, ये मशीन अभी हमारी जानी है, तो हम सोचे क्यों ना आपको इस मशीन का भी एक वीडियो टूट दे जाए और आज दिन का ब्लॉग भी आपको दिखा दिया जाए कि आज पूरे दिन में हम लोगों ने जो भी किया था उसके अकॉर्डिंग आउटपुट, मतलब जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए दिखाने के लिए, उसका मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है मेरे आखिरी वाले वीडियो को। बहुत ढेर सारे कमेंट आए जो लोगों ने मुझसे मशीन का रेट और चीज़ें पूछी थी, तो मैं उनके लिए एक बात बता दूं, जो भी मशीन का रेट प्राइस होता है ना वो मैं वीडियो में नहीं बोल सकता। माफ़ी चाहता हूँ, मैं वीडियो में बोल नहीं सकता मशीन का रेट क्या है, प्राइस क्या है, क्योंकि पीछे भी मैंने किसी को मशीन भेज रखी है और आगे भी मशीनें बेचनी है। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सबको वीडियो में ओपन रेट कर दूँगा ना, कुछ मशीनों का कंडीशन ऐसा होता है बहुत अच्छा होता है, कुछ का ड्रम अच्छा होता है मशीन, क्योंकि हमारा काम सेकेंड आरसी इंडियन आरसी मशीनों का है। फर्स्ट आरसी मशीनों का जब से काम स्टार्ट होगा, मशीनें आना स्टार्ट होंगी, तब मैं आपको बता दूंगा कि ये मशीन कितने की है। बट अभी मैं ये इंडियन आरसी मशीन है, ये मैं इसमें रेट नहीं बता सकता, क्योंकि कोई मशीन 50 लाख का भी चली हुई आती है, कोई मशीन 20 लाख का भी चली हुई आती है। तो मशीन के कंडीशन के हिसाब से हर मशीन का रेट अलग होता है। मैं अगर आपसे बोल दूंगा कि ये मशीन हम 1.5 लाख की बेच रहे हैं, 2 लाख की बेच रहे हैं, और फिर अगर किसी भी क्लाइंट को कोई मशीन लेने आएगा तो मशीन के कंडीशन के हिसाब से हम उसको 1,20,000 की भी दे देंगे और 1 लाख 2 लाख की मशीन बेचेंगे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरी इस बात को समझिए आप, क्योंकि हम आप वीडियो में रेट नहीं बोल सकते, ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते, मैंने आपको बता दिया। तो आज ये मशीन हमारी जानी है, थोड़ी साफ़ सफाई हो रही है और इसमें एडीएम में जो नीचे कपड़ा लगता है ये भी आ रहा है, थोड़ा गंदा लग रहा था तो मतलब अच्छा नहीं लगा, तो मैंने मंगा लिया, दूसरा आ रहा है और ये लगाएंगे उसमें। तब तक कि मैं मशीन का एक टूर कराता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मशीन की कंडीशन। तो भैया देखिए हमारी मशीन, बस एडीएम छोड़ दीजिए, एडीएम में अभी दूसरा लगेगा उसके बाद दिखाएंगे। ये हमारी मशीन है, मैं आपको दिखाऊँ, मतलब सारे फुल सारे कवर वबर लगे हुए हैं इसमें। सारे कवर वबर लगे हैं, पहले भाई खोलिए इसको, ये देखिए बिल्कुल सब फ्रेश कंडीशन की मशीन है और देख पा रहे बिल्कुल सब साफ़ सुथरी अच्छी सी चमकती हुई। ये जो मशीन हमारी पुणे से आई थी उनमें से एक मशीन है, तीन मशीनें आई थी, एक ये मशीन है जो पुणे से आई थी। अभी उसका डुप्लेक्स देख लीजिए, बिल्कुल सब साफ़ सुथरा चमकता हुआ वाइट है, ऐसा नहीं है मतलब किसी तरीके से तैयार किया है, वो अच्छी मशीन ही है। ध्यान दिया करो भाई छोटे भाई, डुप्लेक्स का कवर इसका बदले 105 का लगा हुआ है, इसमें ये कवर लगा है निकाल के। हाँ मैं आपको साइड से दिखाता हूँ मशीन, ये हमारा डीपी का डोर जो कि सबसे ज़्यादा गंदा होता है, तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ दे दे मतलब आपको लगेगा नहीं कि हम कहीं से मशीन, ये यूज्ड मशीन है, बट ये यूज्ड मशीन है, चली हुई मशीन है, लेकिन हम लोगों ने इसको ऐसा बनाया है अच्छा सा कि अगर आप इस मशीन को परचेज करते हैं, लगाते हैं, आपको कहीं से भी कोई नहीं होने वाला, ना के बराबर। देखिए बिल्कुल एक धूल का, टोनर का, गंदगी का आपको एक कण नहीं मिलेगा यहाँ पे, बिल्कुल सब कुछ अच्छा मिलेगा। ये सारी रॉड हम काम करते वक्त सब कुछ करते हैं अच्छे से, सारी चीज़ें बदलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको ये लगे ना कि ये मशीन कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप एक 1000 कॉपी निकालिए, 1 लाख कॉपी निकालिए, और ये मशीन जहाँ जा रही है ना वहाँ पर निर्वाचन आयोग का काम स्टार्ट होना है, निर्वाचन आयोग का काम स्टार्ट होना है। और निर्वाचन आयोग का काम ऐसा होता है ना कि जहाँ पे आपको 10 दिन में ही 10 लाख कापी, 15 लाख कापी, 20 लाख कापी का टारगेट मिलता है, तो ये मशीन आउटपुट 1 लाख कापी 20-22 घंटे में निकाल, 20-22 घंटे में 1 लाख कापी ये छाप के रख दे देती है। तो इसीलिए इस मशीन को ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाती है। ड्रम की कंडीशन, प्रिंट की कंडीशन इसकी ये है, इसका प्रिंट दूसरा था बट ये प्रिंट हमने अभी फाइनली इसे निकाला था, मैं दिखाता हूँ आपको, ये व्हाइट स्पॉट ड्रम के साथ आती है तो इसमें आपको कोई भी स्पॉट नज़र नहीं आएगा, इसमें आपको कोई भी स्पॉट नज़र नहीं आएगा, जो भी आएगा ना वो वाइट ब्लैक में वाइट में, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ये पीसीएल की ब्लैक पट्टी में यहाँ पर स्पॉट दिख रहा है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए स्पॉट दिख रहा है, ये सब स्पॉट नज़र आएंगे। और जब से टेक्नोलॉजी आई तब से लोगों का प्रिंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। और जो 70-80 हज़ार 90 हज़ार के ड्रम लगा 80-90 हज़ार के ड्रम लगाने पड़ते थे वो नहीं लगाने पड़ते। अब मैं पीछे से आपको एक बार मशीन दिखाऊँ, बिल्कुल अच्छे से, कोई कहीं से कोई इशू नहीं है। और एक 70-86 की बात बताई थी तो 70-86 भी हमारी पैक रखी है, वही 2-3 लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी, इंक्वायरी आई थी, तो ये मशीन हमारे पास होकर रखी है, आप कभी भी आके ले जा सकते हैं। दूसरी अच्छी बात, एक बात और जो मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि हमारी जो एडवांस मशीन है वो ओके ओके पैक करके रखी हुई है, 2-3 लोगों का ऑर्डर है लगा हुआ है, बट जो पहले आएगा उसी को मिलेगी, जो पहले आएगा उसी को मिलेगी। आज हमने जो हमारे पास कलर मशीन ऑन किया, चेक किया, तो इसका फैब्रिक्स का जो एक प्रिंट निकाला था मैंने टेस्ट प्रिंट चेक करने के लिए, तो ये प्रिंट निकला था। क्वालिटी, प्रिंट की क्वालिटी अच्छी है। आज एक लोग आके चेक करके गए हैं इसको, मशीन को, हो सकता है 1-2 दिन में इसका भी कल्याण हो जाए। तो हमारा जो है ना थोड़ा स्टॉक, ये जो भीड़ भड़ी हुई है यहाँ से भीड़ कम पड़ जाएगी। एक मशीन हमारी ये रेडी हो रही है, ये हमारे सुरेश जी रेडी कर रहे हैं, इन्होंने ही इस मशीन को भी रेडी किया है, अच्छी तरीके से बनाया है। और ये देखिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, सब कुछ पूरा खोल के साफ़ सफाई करके अच्छे से, और देखो बिल्कुल चमका दिया है, अब देखिएगा बिल्कुल चमका दिया है मशीन को, मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत दिन की नज़र आ रही है इस मशीन में भी। और जो भी मशीन की आपने मशीन वो भी वीडियो देखा होगा, अगर आपने ना देखा होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जब पुणे से हमारी मशीन आई थी तो किस कंडीशन में थी और आज किस कंडीशन में है। इसका ये पर्दा निकला हुआ था, तो ये पर्दा निकला हुआ था, तो पर्दा कैसे बदलते हैं, सबसे पहले इसको कैसे निकाला था आपने ये बात अब तो निकाल लिया, लेकिन मैं आपको बताऊं इसको निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ पे पेच लगे होते हैं, यहाँ पे एक पेच यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है और यहाँ पे लगता है, यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं, आप वो स्क्रू खोल लेंगे, उसके बाद आप इसको ऐसे उठा लेंगे इधर से और उधर से भी ऐसे उठा लेंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा, थोड़ा ये स्पेस इसके बीच में क्रिएट हो जाएगा और जो हम इसको पहना देंगे, चलो पहनाओ, दिखाते हैं, बस ध्यान से पहनाना है, जहाँ तक कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये जो इसके बीच में गैप है इसी गैप में आपको फंसा देना है इसको, थोड़ा सा ढीला करो, बस एक तरफ से पहले फंसाया, उसके बाद इधर से फंसा दिया, बिल्कुल आराम से चला जाएगा ये पूरा। और क्या करना है, बस उसको टाइट कर देना है, बस इसमें स्क्रू लग जाएंगे, ये हो जाएगा ओके। अभी देखिए पर्दा, अभी हमारी मशीन के अकॉर्डिंग जैसे मशीन का लुक है साफ सुथरा बिल्कुल जबरदस्त चलती है, वैसे हमारा एडीएफ हो गया। अभी तक इससे पहले मैंने छोटा सा वीडियो आपको दिखाया, बहुत गंदा था, बहुत खराब था, ये वाला लगा हुआ था इसमें, ये वाला पर्दा लगा हुआ था जो कि मशीन को सूट नहीं कर रहा था, मशीन की पर्सनैलिटी को, जो आदमी देखता के कहता रहे भैया तो मशीन आप इतनी महंगी दे रहे हैं और मशीन में जो ये लगा हुआ है वो ख़राब है फोटोकॉपी करने के लिए, बट अभी मैंने उसमें नया डलवा दिया, ठीक है, जो कि मशीन की कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाएगी, दिखने में मशीन और अच्छी हो जाएगी। जो लोग भी फोटोकॉपी, जो मतलब कितना भी सेटअप फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, अगर ये ख़राब होता है तो फोटोकॉपी एडीएफ से करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बार बार इधर उधर खिसकता रहता है। तब ये लग गया, ये टाइट हो गया ना, ओके हो गया, चलो हो गया ठीक, भैया लगा दो कवर, लगा दो और मार दो इसका राइट ऊपर एडीएफ में, देखो सब धूल टूनर आ गया इस पर, भैया डाला बुलाओ आप भाई साहब पोर्टर तो हो गया पूरा कंप्लीट, हमारा आइडिया भी कंप्लीट हो गया। और फाइनली ये भैया थोड़ी मेहनत कर रहे हैं कि इसको साफ सफाई कर दें बाहर से, ये अच्छे हो जाए। ये भैया मशीन का रीडिंग 15,42,988 कॉपी है, बिल्कुल लुक लाइक नई मशीन। अगर आप कहीं खरीदने जाएंगे तो आपको ऐसी मशीन मिलेगी नहीं सिवाय हमारे, कहीं भी आप देख लीजिए, बिल्कुल चमकती हुई, सब कुछ कहने के लिए नहीं मतलब दिखाते हैं, लग गई, ये नहीं कि हम खाली बता रहे हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं, बिल्कुल अच्छे थे जो मशीन हमारी रैप हो रही है।
जा रहे हैं मशीन को लदवाना है। चलो भैया लग गया, आ जाओ उधर से पकड़ लेना, मतलब ये ना हो कि उस दिन की तरह कोई टूट जाए। वीडियो में दो तीन लोगों ने कमेंट किया है। नहीं भैया मशीन को थर्माकोल नहीं है, दो दिन बस हो गए भैया। हमारी मशीन कंप्लीट लग गई। लो भाई ये फाइनली मशीन लग गई, फाइनली मशीन डाले पे लग गई। मेहनत थोड़ी लगी, बहुत बढ़िया भैया का मतलब यहाँ पे स्लो बहुत अच्छा बन गया था, उन्होंने प्लाई भी लगा रखी है तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। एक बार भी मशीन आराम से चली गई अंदर। ठीक, टारगेट पूरा हो गया, मशीन हमारी गाड़ी लग चुकी है और हमको इसको इंस्टॉल करने नहीं जाना, इसलिए ये वीडियो ये बस ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में मतलब कल हमारी वो मशीन रेडी होनी है, कल उसको भी जाना है, तो हम कल मिलते हैं।